क्या हाल है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। मेरे साथ बाहर आओ, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। आ जाओ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और अपनी ये ड्रामेबाजियां ना बंद करो। तुम एक नंबर के डरपोक और बुजदिल इंसान हो, और बेहतर होगा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा निकाह होने वाला है। क्या कहा तुमने? निकाह होने वाला है? ये सब कब हुआ? अच्छा, तुम्हें इससे क्या? तुम तो निकाह की बात पे पीछे हट गए थे ना। अब दूर से बैठ के तमाशा देखो। देखो लुबना, मैं पीछे नहीं हटा था, बस सही वक्त पे कदम नहीं उठा सका। बेहतर होगा जो तुम कहने आए थे ना वो कहो, और कोशिश करना मुझसे मिलना मत, क्योंकि मजीद मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मम्मी और पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। इवन मम्मी तो बहुत खुश है। हाँ? तुमने क्या समझ क्या रखा है? शादी गुड्डे और गुड़िया का खेल है क्या? हाँ, क्या समझा क्या हुआ? कभी इससे कभी उससे, और क्या चाहते हो तुम? मैं आमिर से रिश्ता तोड़ के अब तुमसे कर लूं? मेरे बाप ने ना एक दफा जबान दे दी तो दे दी, और अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। हेलो फरिया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि अंकल की तबीयत कैसी है अब? हाँ, उनकी तबीयत तो जरा बेहतर है। बाहर निकले जरा अपने दोस्त से मिलने के लिए। मैं सोच रही थी मैं उन्हें विजिट करने आ जाऊँ किसी दिन। अरे तो आओ ना, तुम्हारा अपना घर है, किसने रोका है? बल्कि सामी आए ना, वो अपने घर जाना चाह रही है, तो जरा वो अपने घर चली जाए तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, तो तुम फिर तसल्ली से आओ। वैसे आंटी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। एक्चुअली गुड न्यूज है, मैं अरसलान का ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ और अब उसी के साथ काम करूंगी। अरे ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जितनी जल्दी हो सकता है ऑफिस ज्वाइन करो और किसी तरह मेरे बेटे को अपना बना लो। यकीन जानो, जब से उसने सामिया से शादी की है ना, मेरा बच्चा बहुत परेशान रहता है। उसकी बदतमीजियों से, उसके तानों से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मेरे बच्चे ने शादी तो कर ली है, जाहिर निभा रहा है शादी, लेकिन खुश नहीं है बिल्कुल। बस आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए ना, ना अरसलान मेरे बगैर खुश है और ना ही मैं, बस हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। खैर, जो होना था वो हो गया। तुम बस जल्दी से ऑफिस ज्वाइन करो और अरसलान को इस बात का एहसास दिला दो कि उसने सामिया से जो शादी की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी का और गलत रिश्ता है। सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, हम लुबना किया रिश्ता लेके कब जाएंगे? चले जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। लेकिन कब? क्या हुआ है? कोई बात हुई है लुबना से? मुझे बैठो, समझाओ। मम्मी, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, उसका जवाब दें कि हम लुबना के यहाँ रिश्ता लेके कब जाएंगे। उसका रिश्ता पहले से हुआ हुआ है, वो रिश्ता जैसे ही खत्म होगा हम चले जाएंगे। और वो कैसे खत्म होगा? तुम जाओ जाके अपनी भाभी को बताओ ये बात कि भाई वो जितनी जल्दी अपनी बहन का रिश्ता खत्म करेंगी तो मैं तुम्हारा रिश्ता डाल दूंगी। और उनको ये भी बताना कि तुम्हारे जैसा हीरा लड़का उनको कहीं मिलने वाला नहीं है।